पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो सालों से राहुल की रहनुमाई पर सवाल उठा रही थी। हालांकि मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और संसद सदस्यता खत्म होने के बाद उनके रुख में थोड़ी नरमी जरूर आई, लेकिन वो दिल्ली को विपक्षी एकजुटता की धुरी मानने को तैयार नहीं हुई। यही वजह है कि उन्होंने नीतीश कुमार को पटना में बैठक की सलाह दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एकजुटता की गेंद नीतीश के ही पाले में डाल दी। पटना में जो हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है, नीतीश जी मीटिंग कन्विन किया है, हम लोगों को रिक्वेस्ट करने का बाद उसको बाद पहले मिला। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले हम लोग एक है, दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। हम लोगों ने यह तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर का असुरक्षा बोध स्वाभाविक ही है, क्योंकि सभी पार्टियों को अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से ही लड़ना है। हालांकि केसीआर को छोड़ और किसी ने भी बीजेपी के खिलाफ साझा लड़ाई से इनकार नहीं किया और यहीं से बीजेपी की पेशानी पर बल आ गया। अभी पटना की बैठक खत्म भी नहीं हुई थी, देश के अलग अलग हिस्से से पार्टी के आला नेताओं ने हल्ला बोल कर दिया। पार्टी अध्यक्ष से चाणक्य तक कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों की केमिस्ट्री पर सवाल उठाने लगे। 2024 में मोदी सरकार की वापसी के नारे लगाने लगे। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। फोटो सेशन बताया, अब पता नहीं उन लोगों का यही काम है, उसने इस तरह के नाम दिया है, हमें तो जनता के हित के लिए। सब लोग उपस्थित रहे और एक मत होकर के फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक